अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ MGT 611 के लेक्चर नंबर 6 में। हम बिज़नेस एंड लेबर लॉ की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 का मेन टाइटल है कंसिडरेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे कंसिडरेशन, नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे स्कोप एंड एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन, नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे व्हेन एग्रीमेंट लीड टू कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 4th और लास्ट टॉपिक हमारा होगा एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने स्लाइड्स में देखा था, हमारे लेक्चर नंबर 6 का मेन टाइटल है कंसिडरेशन एंड एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें नंबर 1 पे जो टॉपिक दिया गया है उसमें कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी गई है। पिछले लेक्चर के अंदर भी हम कंसिडरेशन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया तो मेरी गुजारिश है कि आप पिछले लेक्चर्स लाजमी ले लें, वरना आपको आगे टॉपिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और आपको पेपर देने में और क्विज़ अटैम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं। तो आइए अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कंसिडरेशन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक मेन पार्ट है, ये आप कह सकते हैं। कंसिडरेशन हैज़ बीन डिफाइंड सेक्शन 2D ऑफ द एक्ट विच इज़ रिप्रोड्यूस्ड बिलो। कंसिडरेशन हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2D। सेक्शन 2D किसके बात कर रहे हैं हम? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, जिसको हम पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, विच इज़ रिप्रोड्यूस्ड बिलो। यहाँ पर वो डेफिनेशन दी गई है जो कि एक्चुअली इस लॉ के अंदर यूज़ हुई है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर जो डेफिनेशन यूज़ हुई हैं, जो कंडीशंस यूज़ हुई हैं, वो सेम वर्डिंग यहाँ पर उठा के दी गई है आपको, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है समझने के लिए। आप अगर LMS के अंदर जाएंगे और MGT 611 बिजनेस एंड लेबर लॉ के लेक्चर्स के अंदर जाएंगे, उसके अंदर जाके अगर आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो उसमें PPTs भी दी हुई हैं आपको डाउनलोड करने की। अगर आप इसके ऑफिशियल वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स देखें तो उनके अंदर जो टीचर यूज़ कर रहे हैं वो PPTs यूज़ कर रहे हैं, ना कि हैंडआउट यूज़ कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं PPTs यूज़ करूँ और 11 PPTs के अंदर एक सिंपल सा लेक्चर बनाऊँ 10 से 12 मिनट का और उसको ख़त्म कर दूँ। मेरा मकसद यहाँ पर ये होता है कि आपको एक डिटेल लेक्चर दिया जाए, कम से कम टाइम पॉसिबल जितना है उसके अंदर कवर किया जाए, और एक दफ़ा जब आप ये लेक्चर सुन लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इवन आप अगर इसको दोबारा पढ़ेंगे भी नहीं और पेपर से पहले एक दफ़ा लेक्चर दोबारा सुन लेंगे तो आप इजीली पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्विज़ और असाइनमेंट से पहले अगर आप सुन लेंगे तो आप इजीली क्विज़ और असाइनमेंट अटैम्प्ट कर सकते हैं। पिछले लेक्चर्स जो मेरे चैनल पर मौजूद हैं पिछले एक साल से, जितने भी स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किए हैं, आप जाके कमेंट्स वगैरह से चेक कर सकते हैं, वहाँ पर ईजिली स्टूडेंट्स के अच्छे रिजल्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये मेन डेफिनेशन वो बहुत ज़्यादा टफ है, समझाने का मकसद आपको ये था। तो मैंने क्या किया, स्टिकी नोट्स बना के सिंपल सिंपल डेफिनेशन आपके लिए लिख दी है। तो जो टॉपिक मुझे लगेगा यहाँ पर ईजी है और ज़रूरी है आपके लिए समझना तो मैं आपको वो समझा दूंगा, वरना स्टिकी नोट बनाकर यहाँ पर मैंने अलग से डिफ़ाइन किया हुआ है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। रही बात, अब ये परेशान होंगे कि सर ये तो सिर्फ आपके पास मौजूद है, हमारे पास कैसे आएगा? तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का ऑफिशियल लिंक मौजूद है VU एक्सपर्ट टीचिंग का, और फेसबुक पेज का लिंक भी मौजूद है। तो जो तरीका आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कांटेक्ट करें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगा। बस बदले में आपसे सपोर्ट हमें ये चाहिए होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में आपके यकीन माने 3 से 4 सेकेंड लगते हैं और ये कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आपके लिए। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और शेयर कर दिया करें ताकि हम मोटिवेट हों और हमारी मेहनत का हमें कुछ फल मिल जाए। तो आइए अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इन सिंपल वर्ड, कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस मीन समथिंग दैट अ पर्सन एग्रीड टू डू और नॉट टू डू इन रिटर्न फॉर अनदर पर्सन प्रॉमिस। कंसिडरेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मैंने आपसे वादा किया, मैंने आपको कहा कि अगर आप ये काम कर देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं भी आपका ये काम कर दूंगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है कि मेरा नाम जैसे रमज़ान है और आपका नाम सपोज़ कर लेते हैं एहतिशाम है या सिदरा है, तो मैंने आपसे कहा कि भाई अगर आप मेरे घर में पेंट कर देंगे तो मैं आपको $100 दे दूंगा। आपने बोला ठीक है मैं पेंट कर दूंगा। तो ये कंसिडरेशन क्या हुई, मेरे घर का पेंट हो जाएगा, तो जो मेरे घर का पेंट है वो मेरे लिए कंसिडरेशन है। मैं आपको एहतिशाम को या सिदरा को ₹100 दे दूंगा, $100 दूंगा, तो वो उनके लिए कंसिडरेशन है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है कंसिडरेशन की, और एक कॉन्ट्रैक्ट को, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए समथिंग वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दी गई है और उसके बाद उसकी एग्जांपल दी गई है, तो हमने भी डेफिनेशन सिंपल सी ली और उसके बाद उसकी एग्जांपल देके आपको समझा दी। अगर आप ये एग्जांपल और डेफिनेशन एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इस चीज़ से बेफिक्र हो जाएं। उसके बाद है स्कोप एंड एसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन। द स्कोप एंड एसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन आर वाइड रेंजिंग विच आर आउटलाइंड बिलो। कंसिडरेशन मस्ट बी कंडक्टिव टू कॉन्ट्रैक्ट।
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ मैं आपको हेडिंग्स बता रहा हूँ, टाइटल्स बता रहा हूँ, उसके बाद हम इनको वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। कंसिडरेशन एट द डिज़ायर ऑफ थर्ड पार्टी, एबसेंस ऑफ कंसिडरेशन, प्रूफ ऑफ कंसिडरेशन, फ्यूचर प्रोमिस एज लीगल कंसिडरेशन एंड पास्ट कंसिडरेशन। अब देखें यहाँ पर मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट हाईलाइट किए हैं। जब एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आता है, मिड टर्म के अंदर 3 नंबर और 5 नंबर के सवाल आते हैं और 1 घंटे का टाइम होता है, जिसमें आपके 50% टाइम जो है आपके MCQs का एलोकेट किया जाता है और 50% आपके उसको किया जाता है। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ 50% यानी कि 30 मिनट होंगे। उसके अंदर आपको 5 सवाल करने होते हैं, जिसमें से 3 सवाल जो हैं वो 3-3 नंबर के होते हैं और 2 सवाल 5 नंबर के होते हैं, एज़ पर प्रीवियस पैटर्न, जो पिछले सेमेस्टर में पैटर्न था। इस पैटर्न में अगर कोई पैटर्न चेंज होगा इस एग्ज़ाम में तो आपको बता दिया जाएगा, वैसे सेम ही पैटर्न रहेगा। तो मिड टर्म का एग्ज़ाम 1 घंटे का होता है, तो उसके अंदर आपने 3 पॉइंट आप लिख दें वो काफ़ी है। मैं आपको 6 पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको आधे भी याद रह जाते हैं तो आप इजीली पेपर कवर कर सकते हैं। कंसिडरेशन मस्ट बी कंडक्टिव टू कॉन्ट्रैक्ट। अब देखें, कंसिडरेशन मस्ट बी कंडक्टिव टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है दैट द बेनिफिट ऑफ ईच पार्टी रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी समथिंग दैट दे कैन लीगली डू और हैव। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कंसिडरेशन मस्ट बी कंडक्टिव, इसका मतलब ये होता है कि जो हम, मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट करें या दो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट करें, उसके अंदर उनको कोई ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए जो काम वो लीगली कर सकें या वो लीगली कोई वैल्यूएबल चीज़ उनके हाथ में आए। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल दी गई है, इफ़ ए प्रोमिस टू पे $100, इफ बी स्टील्स सी कार्स देन बी स्टीलिंग इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन बिकॉज इट इज़ इलीगल। अब यहाँ पे देखे क्या हो रहा है कि ए प्रोमिस कर रहा है बी से कि अगर मैं तुम्हें $100 दूंगा अगर तुम सी की कार चुरा लो। तो यहाँ पर जो बी अगर किसी की कार चुरा लेता है तो ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी क्योंकि ये इलीगल है। अब अगर बी जो है वो कार चुरा लेता है सी की और उसके बाद ए के पास आता है और ए पैसे देने से मुकर जाता है, तो बी जो है जाके केस नहीं कर सकता अदालत के अंदर कि भाई इसने मुझे कार चोरी करने को कहा था, मैंने कार चोरी कर ली, अब ये मुझे दे नहीं रहा। तो इसमें क्या होगा, दोनों पकड़े जाएंगे। तो कोई वैलिड और तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई वैलिड और लीगल चीज़ होनी चाहिए। कंसिडरेशन एट द डिज़ायर ऑफ थर्ड पार्टी, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द थर्ड पार्टी बट थर्ड पार्टी इज़ नॉट एंटाइटल टू फाइल अ सूट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि देखें, एक थर्ड पार्टी जो होती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करवा सकती है लेकिन वो जो है वो केस नहीं कर सकती। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि ईजिली समझ में आए। आप एग्जाम्पल ले लें कि कंपनी ए जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है कंपनी बी के साथ कि उसको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। अब कंपनी सी जो है वो एक थर्ड पार्टी है, वो एग्री हो जाती है कंपनी बी से कि मैं जो है वो कंपनी ए के बिहाफ पर कंपनी बी को सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगी। अब कंपनी सी जो है वो कंसिडरेशन है उसके लिए, लेकिन ये जो है वो थर्ड पार्टी है क्योंकि कंपनी ए जो है उसने सर्विसेज मांगी बी से, कंपनी बी के पास काम बहुत ज़्यादा था तो उसने क्या किया, कंपनी सी को बोल दिया कि आप कंपनी ए को सर्विसेज प्रोवाइड कर दो। अब कंपनी सी कंपनी बी को सर्विसेज देती है और एंड देन वो बी जो है वो फॉरवर्ड कर देती है कंपनी ए को। अब कंपनी ए कंपनी सी को नहीं जानती है। अब इसमें क्या होता है कि कंपनी सी और बी के दरमियान अगर कोई मामलात होते हैं तो कंपनी सी जो है वो ए को क्लेम नहीं कर सकती या वो बी को भी क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि जो ए है वो तो सी को जानता ही नहीं है। तो इस केस में भी क्या होगा कि थर्ड पार्टी से कंसिडरेशन तो हो सकती है लेकिन वो जो है वो लीगली बॉन्ड नहीं कर सकते, केस वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहां पर कंपनी सी जो है वो केस भी कर सकती है, थर्ड पार्टी केस भी कर सकती है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने रियल इस्टेट की एग्जांपल ली थी, अगर हम कोई घर खरीदना चाहते हैं तो घर के अंदर जो रियल इस्टेट एजेंट होता है, जैसे हम प्रॉपर्टी एजेंट के पास जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर जिनको हम आम जबान में कहते हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं भाई हमें घर किराए पर चाहिए या हमने घर खरीदना है, तो वो क्या करते हैं कि वो उनके पास कुछ घर पड़े हुए होते हैं, ऐसी कोई पार्टी उनके पास आती है, वो बोलते हैं हम घर बेचना चाहते हैं या अपना घर किराए पर देना चाहते हैं, तो वो बीच में जो है वो थर्ड पार्टी का किरदार अदा करके हम दोनों को मिलवा देते हैं और हमने अगर घर किराए पर लेना है या हमने सेल करना है तो वो मसले मसाइल हमारे हल हो जाते हैं। इसमें वो थर्ड पार्टी जो है ऐसा नहीं है कि वो लॉफुल नहीं कर सकती, अगर हम में से कोई भी उसको बेवकूफ़ बनाएगा, जैसे हम दोनों पार्टी को उन्होंने मिला दिया और हमने आपस में अपने ताल्लुकात जो है वो कायम कर दिए और उसका कमीशन जो है वो हमने हड़प कर लिया, तो इससे क्या होगा, वो पार्टी हम पे केस कर सकती है कि देखें इन दोनों को मैंने मिलाया था और मैंने सारी चीज़ें की थी लेकिन उन्होंने बीच में से जो है वो मुझे मसले मसाइल कर दिए और मुझे निकाल दिया, तो इस केस में वो केस कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना यहाँ पे मकसद ये बात समझाने का है कि ऐसा नहीं हो जाए कि आप ये समझ लें कि थर्ड पार्टी केस ही नहीं कर सकती। बाज़ोकात थर्ड पार्टी केस कर सकती है और बाज़ोकात थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकती। इट लीड टू वेरी एज अपॉन द सिचुएशन ऑफ द केसेस। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की एब्सेंस कब होती है? अब यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, इसमें 2 वर्ड यूज हुए हैं, ग्रेटिट्यूड और मेरिटोरस। अब इसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। मेरिटोरस
मेरिटोरियस का मतलब होता है रेफर टू समथिंग दैट इज डिजर्विंग ऑफ रिवार्ड और प्रेज ड्यू टू हिज क्वालिटी ऑफ मेरिट। अब इसकी सिंपल सी मिसाल ये लेते हैं, अगर आप अगर फर्स्ट आए हैं क्लास के अंदर या आपने कोई क्लास में अच्छा काम किया तो टीचर आपकी एग्जाम्पल देते हैं पूरी क्लास वालों को कि देखें ये कितना अच्छा काम कर रहा है, कि भाई एहतिशाम है, इन्होंने कितनी अच्छी एग्जाम्पल दी हो। ग्रेटिट्यूड क्या होता है, हम अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं किसी की तरफ, हम अदब करते हैं बड़ों का, बड़ों की इज्जत एहतराम करते हैं, अपने टीचर्स का अदब करते हैं, तो जेनरोसिटी होता है। अब ये भी एक कंसिडरेशन है, लेकिन ये उस तरीके की कंसिडरेशन नहीं है कि आप लीगली जाके केस कर दें कि देखें मैंने इतना अच्छा काम किया, टीचर ने पिछली दफ़ा मेरी तारीफ की थी और इस दफ़ा मैंने इतना अच्छा किया, मेरी तो तारीफ ही नहीं की, अब इस चीज़ पे आप केस करते हैं उसके ऊपर, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन के केस कहलाते हैं। प्रूफ ऑफ कंसिडरेशन क्या है कि किसी भी सिचुएशन के अंदर आपके पास एक लीगली एक प्रूफ होना चाहिए। अगर आपने अपना घर किसी को बेचा है तो आपके पास एक लीगली प्रूफ होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, वरना आप केस नहीं कर सकते। जैसे आप एक मिसाल ले लें कि आपको जैसे OLX वगैरह पे एड्स वगैरह लगते हैं, तो जैसे ही हम ऐड लगाते हैं वहाँ पे सेल करते हैं, तो जैसे ही हम ऐड को पब्लिक करते हैं वहाँ पर एक वार्निंग साइन आता है, या वहाँ पर एक चीज़ लिखी रहती है वार्निंग साइन की सूरत में। वहाँ पे क्या लिखा रहता है कि आप अगर किसी से कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो आप एक सेफ़ प्लेस पर जाकर उनसे मिलें। अगर आपको सेलर या बायर किसी जगह बुला रहा है तो आप किसी सेफ़ सिचुएशन पर, सेफ़ लोकेशन पर जाके मिलें और अपनी एहतियात करके जाएँ। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली जाके मिल जाएँ तो ये आपके लिए मसले मसाइल हो सकते हैं। तो वो आपको पहले से वार्न कर रहा होता है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखें, क्योंकि आप जाएंगे वहाँ पर और तो फिर कोई लीगली आपके पास डॉक्यूमेंट या पेपर्स वगैरह नहीं होंगे, आपको नुकसान हो सकता है। जैसे आप वहाँ पर अपनी बाइक सेल करने गए और वो बंदा अकेला आया, वो आपकी बाइक पे बैठा और वो आपकी बाइक लेके चले गया। अब आप बोले भाई मेरी तो बाइक छिन गई। अब आप जब जाके केस करेंगे तो वो पूछेंगे भाई आपके पास वो बंदा कैसा था, कौन था, किस जगह रहता था, क्या मामलात थे, किस तरीके से। आपके पास सिर्फ नंबर होगा, पता चला वो तो सिम ही चोरी की थी, तो बड़े मसले मसाइल हो गए, प्रूफ नहीं है। तो आपने क्या हर चीज़ को अपने आप को आज के बाद आपने एजुकेट करना है हर चीज़ में। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, घर बेचने जा रहे हैं, बाइक बेचने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ बेचने जा रहे हैं, तो प्रॉपर NIC लें, प्रॉपर चीज़ें चेक करें, CPLC चेक करवाएं, सारी चीज़ें करके एक प्रॉपर प्रूफ और एक डॉक्यूमेंटेशन करके फिर आप काम करें। फ्यूचर प्रॉमिस एज लीगल कंसिडरेशन, यानी कि फ्यूचर प्रॉमिस भी हो सकता है। जैसे कि आपने उधार किसी को चीज़ बेची और उसने वादा किया कि मैं जब दे दूँगा, जैसे आपने घर सेल किया, या पंजाब वगैरह में क्या होता है जब हम ज़मीन वगैरह सेल करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। यानी कि सिटीज़ के अंदर अगर हम घर वगैरह सेल करते हैं तो 50 लाख करोड़ इतने तक का घर होता है, तो वो वन शॉट पेमेंट हो जाती है। लेकिन पंजाब में अगर हम बहुत बड़ा रकबा या अराजी या कनाल्स एकड़ पर हम ज़मीनें सेल करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट हमें मिल जाती है, कुछ अमाउंट हमारी तय हो जाती है कि इतनी इंस्टॉलमेंट में हमें इतने इतने महीने के बाद मिलेंगी, तो वो पूरा पेपर वर्क होता है। तो वो एक पेमेंट जो हमें मिल गई, जैसे हमारी 2 करोड़ की ज़मीन थी, हमें 1 करोड़ रुपए मिल गए और 1 करोड़ उन्होंने बोला कि 2 50-50 लाख की किस्तों में देंगे, तो ये फ्यूचर प्रॉमिस हो गया और इसकी लीगल कंसिडरेशन हो सकती है अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ हमारे पास हो तो। अब पास कंट्री से कंसिडरेशन हो गए, जैसे कि हम ऊपर वाली मिसाल को ले लेते हैं कि हमसे बात हुई थी कि भाई 50 लाख रुपए जो है वो आपको 6 महीने बाद दिए जाएंगे, लेकिन 6 महीने बाद नहीं दिए गए, उसने वादा किया चलो मैं 7वें महीने दे दूंगा, 8वें महीने दे दूंगा, 9वें महीने दे दूंगा। अब ऐसे क्या हुआ, पूरा साल गुजर गया, अब आपने जो नेक्स्ट किस्त लेनी थी उसका टाइम आ गया, अब आपको वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिल रहा। तो जो पिछली वाली किस्त थी, आप जब केस फाइल करेंगे तो एक किस्त तो आप लोग बोलेंगे कि भाई मैंने प्रेजेंट में से लेनी है और एक किस्त जो है वो मैंने पास्ट में से लेनी है, तो वो पास्ट कंसिडरेशन कहलाएगी। अब उसके बाद है व्हेन एग्रीमेंट लीड टू कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे फुलफिल रिक्वायरमेंट एज दे कंटेन इन सेक्शन 10th ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 1872 विच आर आउटलाइंड ब्लू। अब यहाँ पर वही बात आ गई कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं लिए तो ले लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये लॉ पूरा समझ में आ जाएगा कि कितने सेक्शंस हैं, कौन सा सेक्शन किस चीज़ पे ऊपर अप्लाई होता है। अब यहाँ पर सेक्शन 10 की बात की जा रही है और उसमें बताया जा रहा है कि एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, कौन कौन सी मेन रिक्वायरमेंट है वो एग्रीमेंट अगर पूरी करता है तो देन इट विल चेंज इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन्फोर्स्ड बाय अ लॉ। तो उसमें ये 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, नंबर 1 पे है फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, नंबर 2 पे है पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, 3rd पे है लॉफुल कंसिडरेशन, 4th पे है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो फ्री कंसेंट का मतलब हम यहाँ पे देख लेते हैं, फ्री कंसेंट का मतलब ये होता है दैट द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इंटर इनटू विलिंगली एंड विदाउट कोएर्शन, फ्रॉड, मिस प्रेजेंटेशन और अंडर इन्फ्लुएंस। यानी कि फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि एक पार्टी, अगर दो पार्टीज इंटर हो रही हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि एक पार्टी को जो है वो डरा धमका के, इन्फ्लुएंस के ऊपर, ताकत पे, जबरन उस के अंदर इंटर किया जा रहा है या उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं। फ्री कंसेंट यानी कि विलिंगली पूरे एतमाद के साथ बिल्कुल आज़ादाना तौर पर जो है वो पार्टीज़ उसके अंदर इंटर हो रही हैं। जैसे मैं आपको घर बेच रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं मेरा घर करोड़ का है और आप मुझे ज़बरदस्ती मुझे डरा धमका के अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, असर रसूख का इस्तेमाल करके मुझसे मेरा घर जो है वो 50 लाख रुपये का खरीद रहे हैं, तो उसमें फ्री कंसेंट नहीं होगा।
एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। अब प्रोमिस ही क्या होता है, प्रोमिसर क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। द एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द कंसिडरेशन मस्ट हैव बीन एट द डिज़ायर ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। यानी कि आप अगर एक कंसिडरेशन के अंदर जा रहे हैं तो प्रोमिसर जो है वो प्रपोजल देने वाला होता है इजीली। तो एक बंदा जो आपको प्रपोजल दे रहा है कि ये मेरी गाड़ी खरीद लो, मैं इतने लाख रुपए आपको दूंगा, तो वो कंसिडरेशन प्रपोजल की तरफ से आनी चाहिए। उसके पास जो प्रपोजी है, जो प्रोमिसी है, वो एक्सेप्ट करेगा कि भाई वो उसको वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। अब इसमें यहाँ पर जिक्र हो रहा है थस अ प्रोमिसी बाय द डिफेंडेंट टू पे द प्लेंटिफ अ कमीशन ऑन द आर्टिकल। अब यहाँ पर देखें, एज वेन अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट अ मैरिज इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्रोमिस ऑफ सेटलमेंट। यानी कि बाहर मुल्क में आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल होती है कि हमारे कुछ लोग कैनेडा या अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज चले जाते हैं, वहाँ पर जाके वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई मैं आपसे शादी कर लेता हूँ, शादी के बाद जो है कुछ अर्सा हम साथ गुजारेंगे, उसके बाद हमें नेशनैलिटी मिल जाएगी। तो वो जो शादी होती है वो एक सेटलमेंट के ऊपर होती है कि बाद में हमें जब ग्रीन कार्ड मिल जाएगा तो हम अलग अलग हो जाएंगे। सिर्फ वो ग्रीन कार्ड के हसूल तक की एक कंसिडरेशन होती है। लेकिन ये देखें, ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने की समझा रहा हूँ, वरना ये इलीगल एक्ट में आ जाएगा। एक्ट इज़ डन एट द डिज़ायर ऑफ द थर्ड पार्टी इज़ नॉट अ कंसिडरेशन। या आप देखें, वही बात आ गई जो हम ऊपर कवर कर चुके हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो अगर कंसिडरेशन करेगी, थर्ड पार्टी के ऊपर डिज़ायर पे होगा तो वो कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा। थस अ प्रॉमिस बाय द डिफेंडेंट टू पे द प्लेंटिफ कमीशन ऑन द आर्टिकल सोल्ड थ्रू देयर एजेंसी इन अ मार्केट कंस्ट्रक्टेड बाय प्लेंटिफ नाउ एट द डिज़ायर ऑफ द डिफेंडेंट बट ऑफ द कलेक्टर ऑफ द पैलेस इज वॉइड अंडर S25 बीइंग विदाउट कंसिडरेशन। अब यहाँ पे एक मिसाल दी गई है कि अगर कोई एक आर्टिकल्स हैं और एक एजेंसी है जो कि आर्टिकल्स फ्रॉक करती है, तो वो आर्टिकल का मालिक जो है वो खुद सेल करने की बजाय जो एजेंसी के पास आ गया कि आप मेरी आर्टिकल सेल कर दें, मैं आपको उस पर कमीशन दे दूंगा। अब उसने खुद सेल नहीं किया, बीच में थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया, अब उन्होंने सेल कर दी और बाद में वो कमीशन देने से मुकर गए, या ये कमीशन देने वो जो एजेंसी है उसने बोला भाई मुझे ज़्यादा कमीशन चाहिए या इस तरीके का मामला चाहिए, तो इसमें कोई मसला हो गया तो यहाँ पे जो है वो कंसिडरेशन डिज़ायर नहीं होगी और ये लॉफुल नहीं होगा सेक्शन S25, क्योंकि थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व हो गई। तो इन्होंने यहाँ पे मिसाल दी पहले कि मैरिज की मिसाल दे दी कि एक जो सिंपल दो पार्टीज़ के दरमियान जो सेटलमेंट होगी वो लीगली भी बाउंड होगी, और उसके बाद जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी वो आर्टिकल्स की मिसाल देकर समझाया तो वो लीगली बाउंड नहीं होगी। और एनी अदर पर्सन, इट इज़ वेल सेटल्ड लॉ दैट कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी अंडर द एक्ट, हाउ एवर कंसिडरेशन मे बी प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। यानी कि ये लॉ के अंदर बिल्कुल सेट है कि जो प्रोमिसी है, देखें आपने प्रपोज किया और मैंने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो आप प्रपोज कर रहे हैं तो आप प्रोमिसर हो गए और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं प्रोमिसी हो गया। अब जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो ये कंसिडरेशन हो गई, तो मेरी तरफ से ये कंसिडरेशन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसी की तरफ से होगी, प्रोमिसर की तरफ से नहीं होगी, ये एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। पास कंसिडरेशन हम ऊपर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और डज द एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग फॉरबेरेंस एज कंसिडरेशन। अब यहाँ पर हम इसको सिंपल समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, और डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग रेफर टू द एक्शन और इन एक्शन ऑफ पार्टी इन कॉन्ट्रैक्ट। Consideration in a contract can taken from the act performed by a promisee to perform act as well as forbearance or promise to forbear for doing something. देखें, अब मैंने आपको बोला अगर आप ये काम कर दोगे तो इस तरीके से मैं कर दूंगा, अगर आप ऐसा काम नहीं करोगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। जैसे सिंपल सी एग्जांपल समझते हैं कि अगर मैंने आपसे वादा किया कि आप अगर मेरे घर को पेंट कर दोगे, ठीक है, तो मैं आपको पैसे दूंगा, तो ये जो है एक्ट, पेंटिंग का जो एक्ट आपका हो गया वो मेरे लिए कंसिडरेशन हो गया, और मैं जो आपको पैसे दूंगा ये आपके लिए कंसिडरेशन हो गया। अब अगर मैं इस चीज़ से मुकरता हूँ तो आप मेरे ऊपर लॉ सूट कर सकते हैं, और आप अगर मेरे घर को पेंट नहीं करते और मुझसे कुछ एडवांस ले लेते हैं तो मैं आपके अगेंस्ट लॉ सूट कर सकता हूँ। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। इन बोथ केसेस कंसिडरेशन इज़ बीन एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि बोथ केसेस के अंदर हम दोनों के लिए कंसिडरेशन है, आप मेरे लिए पेंट, मेरे घर का पेंट कंसिडरेशन है, और आपके लिए जो है वो पैसे कंसिडरेशन है। अब आप देख रहे होंगे ये बहुत मिलती जुलती चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे इन्होंने हैंडआउट्स में क्या किया है, जितनी भी डेफिनेशंस थी और जो टेक्निकल टर्म्स थी उनको डिफाइन किया गया है यहाँ पे। अब इसमें जो टेक्निकल टर्म्स हैं, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर कोई सवाल आ जाए और इस तरीके की कंडीशन आपसे पूछी जाए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए वन एग्रीमेंट लीड टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये 5 पार्ट हैं, इसमें से अगर आपको 2-3 भी याद हो जाएंगे तो इजीली आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। अब उसके बाद है कंप्रोमाइज़। कंप्रोमाइज़ जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हम दोनों आपस में लॉ सूट के अगेंस्ट जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कुछ आपका फ़ायदा हो जाए कुछ मेरा फ़ायदा हो जाए, तो उसमें क्या होता है ये कंप्रोमाइज़ जो है वो अच्छी सिचुएशन हो जाती है। आप यहाँ पे 2 टेक्निकल वर्ड यूज़ हुए हैं, फॉरबेरेंस। फॉरबेरेंस का मतलब ये होता है कि रिफ्रेनिंग फॉर डूइंग समथिंग ऑफन इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग वैल्यू ऑफ बेनिफिट इन लीगल टर्म्स फॉरबेरेंस कैन बी वैलिड इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। रिफर टू द एक्ट ऑफ रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग,
यानी कि ये मतलब है कि मैं जो हूँ वो किसी चीज़ से जो है वो पीछे हट जाऊँ। जैसे मेरा तकाजा था आपके ऊपर, मैं लीगली राइट रखता हूँ कि मैं बिल्कुल राइट पे हूँ और मेरा तकाजा है मैं आपसे कर रहा हूँ, लेकिन आप उसके बदले में मुझे कोई ऐसी चीज़ एक्सचेंज कर देते हैं जो मेरे लिए, जिसकी वैल्यू उतनी ही है और मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है। तो ये प्रोसीजर जो एक्सचेंज का है ये फॉरबेरेंस कहलाता है। उसके बाद अबेंडोमेंट का मतलब क्या होता है? अबेंडोमेंट मीन टू गिव अप समथिंग दैट यू ओन और हैव अ राइट टू एंड नो लॉन्गर वांट टू यूज़ इट। यानी कि आप एक चीज़ पे बिल्कुल हक रखते हैं, जैसे कि दो दरम्यान लोगों के दरम्यान लड़ाई हो जाती है और आप हक पे होते हैं और आप क्या करते हैं कि चलो ठीक है यार मैं अपना हक छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पर लड़ाई नहीं करता, तो ठीक है आप जीत गए, आप इस चीज़ को रख लो और मुझे इससे इतना फ़ायदा नहीं है, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो जाए। अब उसके बाद है अपेरेंट फॉरबेयरेंस व्हेन रैली एन एक्ट सेल समथिंग ऑन क्रेडिट। यानी कि इसका मतलब सिंपल ये होता है कि आप एक दुकान पे गए, दुकान से आपने कोई चीज़ ले लिया, आप जैसे लोग राशन जो है वो करियाने की दुकान से या परचून की दुकान से उधार ले लेते हैं और एक हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद उसकी पेमेंट कर देते हैं। अब अगर आप पेमेंट नहीं करें तो हर दफ़ा कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट या इस तरीके की चीज़ें तो नहीं होती ना, तो फिर उसमें क्या होता है कि वो बंदा आपको लीगली फोर्स कर देता है। मोहल्ले वाले इलाके वाले जान रहे होते हैं कि हाँ यार ये इस मोहल्ले में रहता है और ये बंदा जो है वो उधार पर चीज़ें देता है, और अगर इसने नहीं दिया तो वो लीगली एक्ट और सारी चीज़ें हो सकती हैं उसके ऊपर भी। तो यहाँ पर उस चीज़ को डिफाइन किया जा रहा है। और प्रॉमिस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, इसका मतलब क्या होता है? प्रॉमिस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग रेफर टू कमिटमेंट मेड बाय वन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू इधर परफॉर्म एन एक्शन और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि जॉन ने वादा किया कि मैं जैन को जो है वो $100 दूंगा अगर वो $100 दूंगा अगर वो मेरे लॉन को जो है वो अच्छे गमले और पौधे वगैरह लगा देती है। ठीक है, अब उसने जॉन ने जैन ने वादा कर लिया कि हम अब जॉन ने वादा कर लिया कि जैन को वो $100 देगा अगर वो उसके लॉन में जो है वो पौधे वगैरह लगा देती है। अब दूसरे हैंड पे क्या हुआ कि अगर जॉन अपने ₹100 जो है वो जैन को नहीं देता, और अब एक तो ये हो गया, ये किस एक किस्म का प्रॉमिस हो गया। अब दूसरे एंड पे क्या होता है, अगर जॉन प्रॉमिस करता है कि मैं आपको $100 दूंगा अगर आप मेरे अगेंस्ट जो है वो लॉ सूट फाइल नहीं करो, और जेनी अगर इस चीज़ पे एग्री हो जाती है, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो ये आ गया रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को करने से मना करना, और डूइंग समथिंग यानी कि किसी चीज़ को करना या इधर परफॉर्म एन एक्शन और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि प्रॉमिस टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि या तो आपने कुछ करना है या तो आपने नहीं करना। अभी एग्जाम्पल के अंदर क्या हुआ कि जॉन ने जेन से कहा कि मैं आपको $100 दूंगा अगर आप मेरे लॉन में पौधे लगा दो, तो अब ये जॉन क्या बोल रहा है कि अगर आप ये काम कर दो तो मैं आपको पैसे दूंगा। अब दूसरी जगह पे क्या हो रहा है कि जॉन जेन को बोल रहा है कि भाई आप ऐसा करो, आप मेरे खिलाफ़ कोई केस नहीं करो, मैं आपको $100 दे दूंगा, इस बात को यहीं रफा दफा कर लो। एक किस्म का कंप्रोमाइज़ हो गया। अब उसको वो काम करने से मना कर रहा है तो वो $100 दे रहा है, तो ये हो गया एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब ये क्या होगा व्हेन एग्रीमेंट लीड टू कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बन जाता है? अगर आप कोई काम करने के लिए प्रॉमिस करें या कोई काम ना करने के लिए प्रॉमिस करें, दोनों चीज़ों में ये एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब उसके बाद प्रॉमिस ऑफ फॉरबेरेंस, ये सिंपल वही डेफिनेशन है कि आप किसी चीज़ को करने से मना कर रहे हैं। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट इज़ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और मीटिंग ऑफ माइंड बिटवीन टू और मोर पार्टी रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन और अ मैटर। इट कैन बी वर्बल और रिटन अंडरस्टैंडिंग एंड इट मे बी नॉट हैव इट मे और मे नॉट हैव लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। एग्रीमेंट का मतलब ये होता है हमने ओरली बात कर ली कि हाँ यार ये काम जो है वो हम कर लें। अब अगर मैं अपने सगे भाई को कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ तो मैं उसको ओरली बोल दूंगा क्योंकि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन मैंने ट्रस्ट करके उसको ओरली बोल दिया कि हाँ ठीक है यार तुम मुझे इतने पैसे देते ना और मेरा घर तुम ले लेना, लेकिन पैसा ऐसी चीज़ है कि भाई भाई में भी लड़ाई होती है और कल को लड़ाई होगी और उसने मना कर दिया कि मैं आपको पैसे नहीं दे रहा। तो ये एग्रीमेंट था हमारा और इसको हम लीगली परस्यू कर भी सकते हैं और लीगली परस्यू नहीं भी कर सकते। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द अदर हैंड इज़ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टी दैट सेट आउट स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन एंड राइट। अब कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये प्योर एग्रीमेंट तो ओरली हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक रिटन एग्रीमेंट होता है, उस पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं और एज़ पर लॉ बन रहा होता है। किस लॉ के मुताबिक बन रहा होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक बन रहा होता है। और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं पिछले लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप वो लेक्चर देख लें। अब उसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, अब आपको उस डॉक्यूमेंट की एनालाइजेशन भी तो आनी चाहिए ना। आप क्या करते हैं कि भाई एक बंदा सेल एग्रीमेंट, जब दो पार्टीज़ आपस में बाय एंड सेल कर रही होती हैं, तो जैसे मैं अपना घर बेच रहा हूँ और आप मेरा घर खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैं एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें बना के आपके पास लाया कि आपने बोला भाई आप मेरा घर खरीद लें। अब डॉक्यूमेंटेशन मैंने की,
अब आपने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा ही नहीं और ऐसे साइन कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप उस डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे हाँ यार ये लीगली ठीक बना है या नहीं बना है, कॉन्ट्रैक्ट 1872 के मुताबिक है या नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वो अलग से मैं टेम्पर करके लिख कर ले आया। कॉन्ट्रैक्ट टू बी अंडरस्टूड इन हारमोनियस मैनर एंड ईच पार्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड इन हारमोनी विद अदर पार्ट सो दैट अ रैशनल मीनिंग मे बी गिवन टू ऑल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ बनाया चाहिए और इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि कोई अपने मफाद की खातिर ना बनाए बल्कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बनाया जाना चाहिए। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की असेंशियल्स क्या होती हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ दिए गए। नंबर वन पे है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सेकंड है लीगल रिलेशनशिप, थर्ड है लीगल कंसिडरेशन, कंपिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट और मुख्तलिफ किस्म की असेंशियल्स यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ पर इनको डिटेल में बताया भी गया है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फॉर एन एग्रीमेंट इट इज़ एसेंशियल दैट देयर शुड बी ऑफर बाय वन पार्टी एक्सेप्टेंट ऑफ अदर पार्टी, यानी कि एक पार्टी ऑफर करे दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करे। लीगल रिलेशनशिप, इसका एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर लीगली बिल्कुल ठीक लिखा हुआ होगा एज पर लॉ होगा तो ही उसको इन्फोर्स बाय लॉ कर सकेंगे, वरना इन्फोर्स बाय लॉ नहीं होगा, यानी कि कानूनन उसकी कोई हैसियत नहीं होगी अगर वो लीगली नहीं बनाए। लीगल कंसिडरेशन जो सेक्शन 23 है वो हमें बताता है कि लीगल कंसिडरेशन इसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि वो किसी कानून के ख़िलाफ़ बनाया जा रहा हो, जैसे कि इफ़ द कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज़ प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, यानी कि अगर वो किसी कानून के ख़िलाफ़ होगा, जैसे कि चोरी चकारी के ऊपर बनाया जा रहा होगा, जैसे हमने एक कंडीशन देखी थी कि भाई ए जो है वो बी को पैसे दे रहा था कि तुम सी की गाड़ी चला लो, तो अगर इस तरीके का होगा तो वो लीगल कंसिडरेशन के अंदर नहीं आएगा। इमोरल यानी कि अखलाकियात के ख़िलाफ़ होगा, पब्लिक पॉलिसी और अखलाकियत के ख़िलाफ़ होगा तो भी वो लीगल कंसिडरेशन के अंदर नहीं आएगा। कंपिटेंट पार्टीज़, द प्रैक्टिस टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी कंपिटेंट इन द आइज ऑफ लॉ, अदरवाइज द एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब यह है कि जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रही हैं वो लीगली कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। जैसे कि मैं 25-26 साल का हूँ और मैं किसी बंदे, कोई 10-12 साल का लड़का उठता है और वो घर के कागज़ जो है वो चुरा लेता है और आगे मुझे बोलता है कि भाई मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, आप मुझसे ख़रीद लो, अब मैं उससे साइन वगैरह करवा लूँ, सारी चीज़ें करवा लूँ, तो उसकी एज पूरी नहीं है, वो माइनर है, इस वजह से जो है वो उसको कॉम्पिटेंट पार्टी वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा इस एग्रीमेंट के लिए। तो हैविंग अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी, उसकी एज उतनी होगी। ऑफ साउंड माइंड, यानी कि अब तो वो बच्चा होगा या कोई ऐसा इंसान जो कि एज में तो पूरा है लेकिन वो ज़हनी तौर पर माजूर है, अनसाउंड माइंड है, यानी कि उसको समझ नहीं सकता कि लीगली कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। इसके अंदर वो भी आते हैं जैसे गांव देहात में हमारे लोग होते हैं उनको लीगली इतनी समझ नहीं होती, जैसे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, अक्सर ये सीन सुनने में आ रहे होते हैं पंजाब में कि बूढ़े बुजुर्ग से जो है वो अंगूठे लगवा लिए गए, अब उनको पता ही नहीं था कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो आपने क्या करना है, कम्युनिकेट करना है अपने वालदेन को, इस चीज़ को बताना है कि आपने किसी पेपर पे साइन नहीं करना, किसी पेपर पे अंगूठा नहीं लगाना जब तक आप घर में मुझे ना पढ़ा लें या किसी और को ना पढ़ा लें, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट, द पर्पस ऑफ द एग्रीमेंट शुड नॉट बी अगेंस्ट द लॉ, यानी कि जो एग्रीमेंट का पर्पस है वो कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, अब रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड टू एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज विच वन पार्टी एग्रीड टू रिस्ट्रिक्ट और लिमिट द एबिलिटी टू कैरी ऑन अ ट्रेड और बिजनेस इधर पार्शियली और कम्प्लीटली विद अनदर पार्टी और पार्टीज़, यानी कि एक पार्टी आप जो है वो हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, अब दो पार्टीज़ हैं, मैं भी बिज़नेस करता हूँ और आप जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं वो भी बिज़नेस करते हैं, अब हम दोनों इम्पोर्ट का बिज़नेस करते हैं और सेम आइटम है, हम दोनों कम्पिटिटर हैं। अब आप मुझे बोलें कि भाई मैं आपको ना 10 लाख रुपये देता हूँ, आप मुझसे वादा कर लो कि आप बिल्कुल भी इम्पोर्ट नहीं करोगे, आप इम्पोर्ट पर बैन करवा दोगे, मैं इम्पोर्ट करूँगा और आप मुझसे माल खरीदोगे, तो इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा कानून जो है वो पाकिस्तान के अंदर इजाज़त नहीं देता। ठीक है, देखें यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का जो हमारे यहाँ इजाज़त नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड, ये था आज का लेक्चर। अगर ये थोड़ा सा लेंथी लेक्चर इसलिए था क्योंकि बहुत टेक्निकल टर्म्स पढ़ाई गई हैं और आगे जाके इन टेक्निकल टर्म्स को यूज़ करते हुए पूरा कोर्स जो है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, जो आगे आने वाले 3-4 लेक्चर जो है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे, और मिड टर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQs के लिए भी, असाइनमेंट के लिए भी और ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन के लिए भी, इसलिए थोड़ा मैंने डिटेल में बताया आपको। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकीन मानें ये तीनों चीज़ें बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।